आईटेल के इस कीपैड फोन में अगर आप अलार्म को सेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स के नीचे एक्स्ट्रा का आइकन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए आप ओके या फिर बीच वाले बटन दोनों का यूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं अलार्म, यहाँ पर आप आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करने के लिए आप बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस, स्टेटस आपको ऑन करना है, इसके लिए आप बीच वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर टाइम का ऑप्शन देखेंगे, आपको जब भी अलार्म चाहिए वो अलार्म आप यहाँ से कीबोर्ड का यूज करके टाइम सेट कर देंगे। उसके बाद राइट आएंगे, यहाँ से आप एएम और पीएम को भी चेंज कर सकते हैं बीच वाले बटन को प्रेस करके। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिक्स्ड रिंगटोन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफॉल्ट 3 रिंगटोन्स दी जाती है, जो भी रिंगटोन आपको सेट करनी है उस पर आने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं रिंगटोन 2 सेट हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट मोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अलार्म कब चाहिए, वंस, डेली या फिर वर्किंग डेज, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे डेली अलार्म चाहिए तो मैं यहाँ पर डेली पर आने के बाद ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं रिपीट मोड डेली आ गया है। इसके बाद आप यहाँ से इसे ओके करेंगे। ओके करने के लिए आप इस वाले बटन का यूज करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका अलार्म सेट हो चुका है, यहाँ पर राइट का आइकन आ गया है। अगर आप अपने अलार्म को दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां से एडिट बटन पर क्लिक करके आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो आप यहां से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। अगर आप अपने अलार्म को ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहां से इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि राइट का आइकन रिमूव हो चुका है। दोबारा से आप सेट करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर राइट का आइकन आ गया है। अगर आप अपने अलार्म में रिपीट मोड को वर्किंग डेज सिलेक्ट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको वर्किंग डेज यहां पर शो होता है। आप कब अलार्म चाहते हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे संडे, मंडे और ट्यूसडे को अलार्म चाहिए तो आप यहां से देख सकते हैं कि मैंने इसे सिलेक्ट किया है और ये ग्रीन हो चुके हैं। जो व्हाइट है वहां पर अलार्म नहीं बजेगा, आपको उसके लिए वर्किंग डेज को चूज करना होगा। जैसे कि आप मुझे मंडे को अलार्म नहीं चाहिए तो इस पर आने के बाद आप यहां से बीच वाले बटन क्रॉस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये व्हाइट यानी कि अनचेक हो चुका है। तो अब सिर्फ संडे और ट्यूसडे को ही वर्किंग डेज में अलार्म बजेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।